करोड़ करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उस घोटाले के सरगना है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया चोर है। 27 करोड़ रुपए इन्होंने लाइसेंस के रूप में बांटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव, मैं हूं आपके साथ रमन। दिल्ली में ईडी सीबीआई के बाद दिल्ली सरकार के खिलाफ आबकारी विभाग को लेकर आबकारी विभाग के घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन इसके बाद आज अधिवक्ता लोग सड़क पर उतर आए हैं जो कि लगातार मनीष सिसोदिया के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली का आईटीओ चौक, जहां पर लगातार अधिवक्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर भारी तादाद में यहां पर अधिवक्ता इकट्ठा हुए हैं। और अब साफ तौर पर कैमरा पर्सन से कहूंगा, सामने दिखाना चाहेंगे कि ये लोग प्रदर्शन करते करते इसी रोड से आगे जाएंगे जहाँ पर आगे पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। आइए जानते हैं यहाँ के अधिवक्ताओं से। सर, आबकारी नीति को लेकर दिल्ली सरकार के लिए क्या कहना है? हमारा ये मानना है कि उस आबकारी नीति में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उस घोटाले के सरगना है मनीष सिसोदिया। जब तक इनका इस्तीफा नहीं आएगा तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। तो किन किन मुद्दों के साथ आबकारी नीति के अलावा किन किन मुद्दों? हम आज सिर्फ आबकारी नीति पे बात कर रहे हैं। शराब के घोटाले में स्टिंग ऑपरेशन के बाद भी पता चल गया कि इन सब ने दलाली खाई है, इनको करोड़ों रुपये का फायदा हुआ है। मनीष सिसोदिया जब तक जेल नहीं जाएंगे भारतीय जनता पार्टी का ये संघर्ष चलता रहेगा। जिस तरीके से बीच बीच में नए नए मुद्दे ला रहे हैं कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई और एलजी वाला मैटर बीच में लेके आए, क्या लगता है कि ये उनकी सिर्फ छटपटाहट है, विषय को डाइवर्ट करना चाहते हैं? जनता दिल्ली की जानती है कि इन्होंने चोरी की है और चोरी की सजा इनको मिलेगी। जैसा कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और यहाँ पर बैरिकेड्स के जस्ट पीछे यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय है और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आज अधिवक्ता रोड पर और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगा आप अपने कैमरा का रुख उधर करें, जिस तरफ से अधिवक्ता अपने दल के साथ लगातार प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली की आबकारी नीति के खिलाफ लगातार यहां पर अधिवक्ता रोड पर उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर रहा है। सीबीआई इंक्वायरी बैठी हुई है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल जी को नैतिक तौर पे सिसोदिया जी का इस्तीफा लेना चाहिए। अगर वो पाक साफ हैं तो वेट करें, इस्तीफा दें जब तक सीबीआई की इंक्वायरी बैठी हुई है। अगर कुछ आबकारी नीति तो उन्होंने अगर सही थी तो उन्होंने वापस क्यों ली? अगर एलजी ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उससे पहले वो वापस ले रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है ना उसमें। भैया, ये जो प्राइवेट लोगों को जो पहले इन्होंने लाइसेंस बांटे, ये बहुत बीजेपी सरकार की सफलता है जिन्होंने जो इस करप्शन को रोका है। 6,000 का लॉस हुआ है पब्लिक मनी का जो प्राइवेट लाइसेंस बांटने से। आज जो सरकारी दुकानों से का जो राजस्व जो सरकार को आता था वो पूरा का पूरा इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इस चीज़ को इसका जवाब देना चाहिए मनीष सिसोदिया ने, इन्होंने क्या कार्य करी थी। 27 करोड़ रुपए इन्होंने लाइसेंस के रूप में बांटे लिए रिश्वत के रूप में, जो एक एलिगेशन है जो इन्होंने पूरा का पूरा प्राइवेट लाइसेंसेज टोटल लाइसेंस दिए, जिसके वजह से ये नुकसान हुआ है गवर्नमेंट को। जिस तरीके से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अधिवक्ता यहां पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बैरिकेड्स को पार करने की लगातार इनकी कोशिश जारी है। और हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का ऑफिस जस्ट पीछे है, यहां पर बैरिकेड्स पहले ही लगा दिए गए थे जिससे यहां पर इनका ये दल आगे ना बढ़ पाए, लेकिन ये सब लगातार बढ़ने की कोशिश में यहाँ पर लगे हुए हैं।